परीक्षा की डेट सीट आ गई। ओ नो, परीक्षा की डेट सीट आ गई। कुछ ऐसा ही रिएक्शन होने वाला है आप सभी का, क्योंकि सीबीएसई ने एग्जाम की डेट सीट निकाल दी है क्लास 10th और क्लास 12th के लिए। आप सभी को जानकारी होनी चाहिए कि सीबीएसई ने आज 23 दिसंबर 2018 को होने वाले अगले से साल होने वाले एग्जाम की डेट सीट निकाल दी है क्लास 10th और क्लास 12th के बच्चों के लिए। ये बहुत बड़ी खुशखबरी है और बहुत बड़ा झटका भी। अगर आपकी तैयारी पूरी हो चुकी है तो आप खुश होने वाले हैं, और अगर आपकी तैयारी अभी भी रह गई है तो आपके मन में थोड़ी बहुत दुख आने वाली है। तो बच्चों, आपको घबराने की जरूरत नहीं, अभी भी टाइम है। अगर तैयारी में थोड़ी सी कसर भी रह रही हो तो आप अपनी तैयारी को पूरी करें और डेट शीट पे एक नजर डाल लें। मैं आपको बता दूं कि सीबीएसई के वेबसाइट्स के ऊपर डेट शीट अवेलेबल है, आप वहां से डेट शीट देख सकते हैं। मैंने ओवरव्यू के लिए आपके सामने डेट शीट्स ला के रखा है, आप देख सकते हैं सीबीएसई के साइट्स के ऊपर। ये cbse.nic.news साइट इंडेक्स के ऊपर जाएंगे तो यहां पे आपको डेट शीट दिख जाएगा जो 23 दिसंबर 2018 के डेट में डाली गई है। आइए अब एक नज़र डेट शीट्स के ऊपर डालते हैं। सबसे पहले मैं क्लास 10th की बात करता हूँ। क्लास 10th की डेट शीट की नजर डालें कि क्लास 10th का एग्जाम 21 फरवरी थर्सडे 2019 से स्टार्ट होने वाला है, और ये एक ऑप्शनल पेपर ई पब्लिशिंग एनी ऑफिस का पेपर है। इसके बाद आप देख सकते हैं 22 फरवरी को आपका पेपर हो रहा है, पेंटिंग का पेपर है वो। फिर 23 फरवरी को आपका पेपर होने वाला है और वो हिंदी म्यूजिक और इंस्ट्रूमेंट्स के एग्जाम होंगे। एक चीज ध्यान रखना है, एग्जाम का जो टाइमिंग है वो 10:30 से 12:30 के बीच में और 10:30 से 1:30 के बीच में, मतलब एग्जाम स्टार्ट होने का जो टाइम है वो 10:30 से 1:30 के बीच में। अगला पेपर 25 फरवरी को होने वाला है जो हिंदी म्यूजिक वोकल का है, फिर आपका 27 फरवरी को। और ये सब ऐसे वोकेशनल सब्जेक्ट हैं, जैसा कि सीबीएसई ने पहले ही बताया था कि वोकेशनल सब्जेक्ट का एग्जाम या उस सब्जेक्ट में जिसमें कम कैंडिडेट होते हैं, कम परीक्षार्थी होते हैं, उसका एग्जाम वो पहले लेने वाले थे। ठीक है, इसके हिसाब से चल रहे हैं, आप आगे आइए। और सैटरडे 2 मार्च इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी IT 402 का पेपर होने वाला है। ट्यूजडे 5 मार्च को लैंग्वेज का पेपर होगा, जो अदर लैंग्वेज सब्जेक्ट हैं उसके ऊपर, बंगाली, उर्दू, तेलुगु, तमिल, इसका एग्जाम होने वाला है। और 7 मार्च से आपका एक्चुअल पेपर स्टार्ट होने वाला है। और यहाँ पे आपको देख लीजिए, 7 मार्च को जो सबसे पहला पेपर है वो किस चीज़ का है, मैथमेटिक्स का पेपर होने वाला है उस दिन। और आपके पास अभी समय है, और आप चाहे तो अपने मैथ्स की तैयारी काफ़ी अच्छे तरीके से कर सकते हैं, आप चाहे तो पूरे सिलेबस को रिवाइज कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा सैम्पल पेपर बनाइए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्जेक्ट के कंटेंट्स पे ध्यान दीजिए। एनसीईआरटी बुक को फॉलो करना नहायत ज़रूरी है, क्योंकि मैक्सिमम सीबीएसई के क्वेश्चन एनसीईआरटी के अंदर से ही आते हैं। 9 मार्च को सैटरडे कन्नड़, अरेबिक, फ्रेंच, गुरु का एग्जाम है। फिर जो अगला इंपॉर्टेंट पेपर है आपके लिए वो वेडनेसडे 13 मार्च 2019 को 10:30 से 1:30 के बीच में, पेपर नंबर 86 साइंस थ्योरी और साइंस प्रैक्टिकल का पेपर होने वाला है। उसके बाद लैंग्वेज का पेपर 16 मार्च संस्कृत, ये उन्हीं बच्चों के लिए जिन्होंने संस्कृत ऑप्ट कर रखा होगा। यहाँ पे ट्यूजडे 19 मार्च को आपका हिंदी कोर्स ए और कोर्स बी का पेपर होने वाला है। ठीक 4 दिन के बाद 23 मार्च को आपके पास इंग्लिश का पेपर आने वाला है, होने वाला है आपका। मंडे 25 मार्च को होम साइंस का पेपर होगा, तो जो बच्चों ने होम साइंस ले रखा है उन्हें होम साइंस का भी एग्जाम देना है। वेडनेसडे 27 मार्च को फाउंडेशन ऑफ आईटी, अगर कंप्यूटर की पढ़ाई आपने कर रखी है, पेपर 165 या 160 आपको इसका एग्जाम देना होगा। और सबसे लास्ट में 29 मार्च को सोशल साइंस का एग्जाम देना होगा। यानी कि बच्चों, अगर ध्यान से देखा जाए तो 2 मार्च से अगर आईटी पेपर है आपके पास, अदरवाइज 7 मार्च से लेके 29 मार्च तक आपका पेपर है, जिसमें सारे इंपॉर्टेंट पेपर आपके हो जाएंगे। और अगर आपके पास कोई वोकेशनल सब्जेक्ट है तो आपके लिए जो एग्जाम की डेट है वो 21 फरवरी से होने वाली है। सीबीएसई ने कुछ इंस्ट्रक्शन दे रखा है बच्चों के लिए कि ड्यूरेशन ऑफ टाइम हर एक पेपर के ऊपर इंडिकेटेड होगा। नॉर्मली आपको आंसर बुक जो है वो आपको 10 से 10-15 के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा, ठीक है। और क्वेश्चन पेपर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा 10-15 के बीच में, मतलब आपको कैंडिडेट्स को 10 बजे सेंटर हॉल में चले जाना है, 10-15 पे आपको क्वेश्चन पेपर दे दिया जाएगा, और पहला 15 मिनट जो आपको दिया जाएगा वो क्वेश्चन पेपर को पढ़ने के लिए दिया जाएगा। आप प्रॉपर प्लानिंग कर सके, प्रॉपर तरीके से लिखने के बारे में सोच सके, आप ये देख सके कि कौन सा क्वेश्चन आपको आ रहा है, और 10:30 बजे आपको
आपका एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा। प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन जितने भी प्राइवेट कैंडिडेट्स हैं, फीमेल और प्रत्याचार विद्यालय कैंडिडेट जो अपेयरिंग फर्स्ट टाइम हो रहे होंगे उन एट द थ्योरी एग्जामिनेशन सेंटर अनलेस अदरवाइज नोटिफाइड, मतलब या तो थ्योरी एग्जाम सेंटर पर ही हो जाएगा या फिर आपको बताया जाएगा। ध्यान रखना है प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन शुड बी कंप्लीटेड बिफोर, एक नोटिस दिया हुआ है फिफ्थ अप्रैल के प्राइवेट कैंडिडेट के लिए। रिजल्ट ऑफ एग्जामिनेशन जैसा कि आप सभी को पता हुआ है कि फर्स्ट वीक 2018 को, फर्स्ट वीक ऑफ जून 2018 को रिजल्ट अनाउंसमेंट की जाएगी सीबीएसई के द्वारा। तो ये तो समराइजेशन और डेट शीट था क्लास 10th के लिए। अब एक बार क्लास 12th पे नजर डालते हैं कि क्लास 12th के बच्चों के लिए क्या खुशखबरी है और उनका एग्जाम कब से होने वाला है। अगर क्लास 12th की बात करें तो क्लास 12th का एग्जाम 15 फरवरी 2019 से स्टार्ट होने वाला है और एग्जाम का टाइम 10:30 से 1:30 के बीच में ही रहेगा। दूसरी बात आपको ध्यान रखना है, जैसा कि सीबीएसई ने पहले ही बता दिया था कि वो पहले वोकेशनल सब्जेक्ट का एग्जाम लेगा या उस सब्जेक्ट का एग्जाम लेगा जिस सब्जेक्ट में नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कम होते हैं। तो जैसा आप देख पा रहे हैं कि 15 फरवरी से जो एग्जाम आपका स्टार्ट हो रहा है वो हिंदी, म्यूजिक, ऑफिस प्रोसीजर है ना, ओलियोर कल्चर, कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स के पेपर हो रहे हैं 15 के बाद 16 मार्च को हैं। 16 मार्च के बाद आपके पास मंडे 15 फरवरी से 16 फरवरी फिर 18 फरवरी को आपका पेपर होने वाला है। अगर आप इन सब्जेक्ट से बिलोंग करते हैं तो आपको ये पेपर देना होगा, अदरवाइज आप अभी रिलैक्स हैं, आपके पास टाइम है और आपके पास टाइम मिल जाता है अब 27 फरवरी तक, क्योंकि यहाँ पे कंप्यूटर का पेपर दिखाई दे रहा है वेब एप्लीकेशंस के रूप में। तो कई स्कूलों में वेब एप्लीकेशन एज ए कंप्यूटर पेपर पढ़ाया जाता है, तो उन बच्चों को 27 फरवरी को एग्जाम देना होगा। उसके बाद जो सबसे पहला पेपर आपका 2 मार्च को, जिसके आप एक इंपॉर्टेंट पेपर कह सकते हैं, वो इंग्लिश का है 2 मार्च को सैटरडे दिन, और उस दिन आपको इंग्लिश का पेपर देना है। आइदर आपके पास कौन सा ऑप्शन है आप देख लीजिए, आप इंग्लिश इलेक्टिव से हैं या इलेक्टिव एनसीसी से हैं और कोर पेपर आपको देने हैं, तो उसके हिसाब से आप देख लीजिएगा। उसके बाद जो साइंस वाले बच्चे हैं उनके लिए जो एग्जाम है वो 5 मार्च को ही स्टार्ट हो जाएगा फिजिक्स के रूप में, और वहीं पे कॉमर्स वाले अगर बच्चे हैं तो उनका पहला पेपर अकाउंटेंसी का है आफ्टर इंग्लिश, और जो कि 6 मार्च को बुधवार के दिन को होने वाला है। अगर हम बात करें आर्ट्स वाले बच्चों की या ह्यूमैनिटीज वाले बच्चों की, तो उनका पेपर ज्योग्राफी का पेपर होगा जो सबसे पहला पेपर होगा, और वो 7 मार्च को स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। उसके बाद 8 मार्च को आप देख सकते हैं यहाँ पे अदर लैंग्वेज पेपर हैं, अदर लैंग्वेज में कई सारे ऑप्शंस हैं, फिर हिंदी अगर आपने ऑप्ट कर रखा है, आपके पास हिंदी एज ए सब्जेक्ट भी है, तो आपको 9 मार्च को हिंदी का एग्जाम देना होगा। और उसके बाद आर्ट्स वालों के लिए सोशोलॉजी का पेपर है 11 मार्च को, 12 मार्च को फिर साइंस वालों बच्चों के लिए केमिस्ट्री का पेपर है, और काफ़ी अच्छे प्रिपरेशन की जरूरत है यहाँ पे, काफ़ी अच्छी तैयारी करने की जरूरत है। और 14 मार्च को अगेन कॉमर्स वाले बच्चों के लिए बिजनेस स्टडी का एग्जाम होगा। फिर आ जाते हैं साइंस के पेपर पे, 15 मार्च को फिर से साइंस का पेपर दिखाई दे रहा है बायोलॉजी, तो ये बायोलॉजी वाले बच्चों के लिए, यहाँ मैथ वाले बच्चे फ्री हैं, जिनके पास पीसीएम होगा वो फ्री है, लेकिन जिनके पास पीसी भी है उन्हें बायोलॉजी का एग्जाम देना होगा। अगर आपके स्कूल वालों ने आपको पेंटिंग, ग्राफिक्स या स्कल्चर ऐसे कुछ पेपर दिला रखे हैं तो 16 मार्च को भी आपका एग्जाम होने वाला है, नॉर्मली बहुत कम स्कूल में देखा जाता है। मैथ्स वालों बच्चों के लिए 18 मार्च को आपके पास एक पेपर है, और उस पेपर का नाम मैथमेटिक्स, तो मैथमेटिक्स के लिए तैयार हो जाइए। फिर से यहाँ पे ह्यूमैनिटीज वाले बच्चों के लिए पॉलिटिकल साइंस हो जाते हैं एक पेपर। अगर आपने संस्कृत या लीगल स्टडीज का आपको पेपर देना है तो आपको 23 मार्च को एग्जाम देना है। 25 मार्च को अगर आप ध्यान से देखें तो आपको हिस्ट्री का पेपर देना है, ये साइंस सोशोलॉजी वालों के लिए, मतलब ह्यूमैनिटीज वाले बच्चों के लिए है। अगर आप उर्दू, कथक और ऐसे पेपर से रिलेटेड भी हैं तो 26 मार्च को आपको पेपर देना होगा। 27 मार्च को फिर से कॉमर्स वालों के बच्चों का पेपर है इकोनॉमिक्स, और 28 मार्च को आईपी और कंप्यूटर साइंस का पेपर एक ही दिन होने वाला है। अगर आपके पास आईपी या कंप्यूटर साइंस ऑप्शन है तो आपको ये पेपर देना होगा। कॉमर्स वाले बच्चों के पास तो टाइम बहुत कम है, बिल्कुल एक दिन का गैप भी नहीं है, लेकिन अगर आप ह्यूमैनिटीज और साइंस डिपार्टमेंट से बिलोंग करते हैं तो आपको 10 से 12 दिन का गैप मिल रहा है। बायोलॉजी और मैथ्स और कंप्यूटर साइंस के बीच में 10 से 12 दिन का गैप है। कॉमर्स वालों को, यानी कि जिसके इकोनॉमिक्स का पेपर देना है, या वो आर्ट्स वाले हों या ह्यूमैनिटीज वाले हों, उनके पास गैप नहीं है। 28 के बाद 29 मार्च को साइकोलॉजी का पेपर देना है, और 30 मार्च को आपको फिजिकल का पेपर देना है। नॉर्मली इस दिन बच्चे पेपर देके फ्री हो जाते हैं, लेकिन अगर आपके पास कोई अदर पेपर भी है जैसे कि इंजीनियरिंग, ग्राफिक्स, होम साइंस, तो 1 अप्रैल को भी आपको पेपर देना होगा। 2 अप्रैल को फिलॉसफी का पेपर है, और
3 अप्रैल को मल्टीमीडिया एंड वेब टेक्नोलॉजी का पेपर है, यानी कि लास्ट पेपर जो सीबीएसई का होने वाला है वो वेडनेसडे 3 अप्रैल को होने वाला है। क्लास 12 के बच्चों को ये कुछ इंस्ट्रक्शन दिया गया है। इंस्ट्रक्शन ये है कि जो भी ड्यूरेशन ऑफ टाइम होगा वो हर एक पेपर के ऊपर इंडिकेटेड होगा। ड्यूरेशन ऑफ टाइम इस सब्जेक्ट पेपर एज अ गिवन क्वेश्चन पेपर भी फॉलोड, मतलब जो पेपर पे टाइम दिया हुआ है उसी को फॉलो किया जाएगा। आंसर बुक वुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू कैंडिडेट्स बिटवीन 10 to 10:15, 10 से 10 बंदे बीच में आपको आंसर बुक दिया जाएगा। कैंडिडेट राइट देयर पर्टिकुलर ऑन द आंसर बुक, पहले आंसर बुक आपको लिखना है, पर्टिकुलर सॉल्व इज चेक एंड साइन बाय स्टूडेंट। क्वेश्चन पेपर विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड एट 10:15, 10:15 आपको क्वेश्चन पेपर दे दिया जाएगा, और 10:15 से 10:30 के बीच का जो 15 मिनट का स्लॉट टाइम दिया गया है इस टाइम में आपको क्वेश्चन पेपर को रीड करना है, समझना है, अपनी प्लानिंग तैयार करनी है, और 10:30 बजे से आपको लिखने की अनुमति दी जाएगी और आप लिखना शुरू कर सकते हैं। प्रैक्टिकल्स प्राइवेट कैंडिडेट वालों के प्रैक्टिकल एग्जाम सेंटर पे ही होने की व्यवस्था की गई है, और जैसा कि सीबीएसई ने बता रखा है कि जो रिजल्ट है या किसी भी तरह का जो अपडेट होगा, प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन फॉर रेगुलर कैंडिडेट जो है वो 15 फरवरी से पहले कंप्लीट कर ली जाएगी, ऐसा एक इंस्ट्रक्शन सीबीएसई ने दे रखा है बच्चों को। और डेट एंड टाइम फॉर एग्जामिनेशन फिक्स जो हर एक बैच का कम्युनिकेटेड है वो कंसर्न मीडिया के थ्रू आपको कम्युनिकेट कर दिया जाएगा। और किसी भी अलग तरह के अपडेट के लिए सीबीएसई रिकमेंड करती है कि आप cbse.nic.in पे जाएं और उसके वेबसाइट पे जाके हर तरह के इंफॉर्मेशन को लें। तो इसी के साथ मैंने आपके साथ डेट शीट डिस्कस किया, उम्मीद करता हूँ कि आपकी तैयारी काफ़ी अच्छे तरीके से हो रखी होगी और आप इस पोजीशन पे होंगे और आप ये कहने वाले होंगे वाओ परीक्षा की तारीख आ गई और अब हमें परीक्षा की तैयारी जोर शोर से करनी है। इसी के साथ ऑल द बेस्ट, धन्यवाद, थैंक यू।